हम अपने पिछले अवधि में जो साइकिल की सवारी नामक पाठ को पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कल हमने देखा था कि लेखक के दोस्त साइकिल सिखाने वाले को पूछने के लिए गए थे कि वह इनको साइकिल सिखाया गया नहीं। फिर उन्होंने क्या किया था, उन्हें सोचा था, लेकिन क्या सोचा था, मैं साइकिल सीखने के बाद हर महीने 300 से 400 रुपए कमाऊंगा, किससे, एक साइकिल ट्रेनिंग स्कूल खोलूंगा और उसके ज़रिए मैं हर महीने पैसे कमाऊंगा, इस तरह उसने सोच लिया था। ठीक है, तब क्या हुआ आगे, इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, मामला यानी कि जो साइकिल सिखाने वाला व्यक्ति था उसके पास चले गए कि हम तुमको इतना पैसा देंगे और तुम क्या करो, साइकिल सिखा दो कहते हुए। ठीक है, तब मामला तय करने के लिए गए, उधर हमने यह शुभ समाचार श्रीमती जी को सुना दिया। यह शुभ समाचार, कौन सा शुभ समाचार, कि मैं क्या करूँगा, साइकिल सीखने के बाद एक ट्रेनिंग स्कूल, साइकिल ट्रेनिंग स्कूल सिखाने का जो स्कूल है उसको मैं खोल दूंगा। यह शुभ समाचार लेखक अपनी श्रीमती को, अपनी पत्नी को बताने के लिए चले गए और उन्होंने बता दिया, श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक स्कूल खोलने वाले हैं। क्या करेंगे, थोड़े दिनों के बाद हम एक स्कूल को खोलेंगे जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। इसमें क्या होगा, उस स्कूल से हमें महीने में 300-400 रुपये मिलेगा, आमदनी हमको मिल जाएगा, इस तरह उसने बता दिया। श्रीमती जी बोली, क्या बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई है, तुम इतना आयु हो गई है, इतना तुम्हें एज हो गया है, मगर ओछापन न गया, इस तरह के मूर्खता पूर्वक बातें बताना नहीं गए तुमसे, पहले आप तो सीख लो, हाँ फर्स्ट क्या करो, आप सीख लो, पहले आप साइकिल चलाना सीख लो, हाँ फिर स्कूल खोल लेना, फिर बाद में क्या कर लेना, स्कूल को खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे। उसकी पत्नी क्या समझती है, कि यह साइकिल चलाना सीखेंगे ही नहीं, इस तरह वह समझती है। तुम सीख ही ना सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है, तुम ही नहीं सीखोगे और दूसरों को क्या सिखाओगे, ये तो बहुत ही दूर की बात है, इस तरह वह बोल रही है। हमने बिगड़ कर कहा, लेखक जी ने बिगड़ कर कहा, गुस्से में आकर कहा, क्या कहा, यह तुम में बड़ी बुरी बात है, जो क्या है, तुम्हें बहुत ही बड़ी बुरी बात है कि हर काम में टोक देती हो, हर काम के बीच आ जाती हो, आड़े आ जाती हो और ऐसे वैसे बोल देती हो। हमसे तो बड़े बड़े सीख रहे हैं, मेरे से भी ज़्यादा उम्र वाले लोग सीख रहे, तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ, तो क्या हम ना सीख सकेंगे, तो मैं सीखूंगा नहीं क्या, मेरे से बड़े बड़े लोग सीख रहे साइकिल, मैं सीखूंगा नहीं क्या, इस तरह पूछ रहे। और पहले तो शायद सीखते या न सीखते, पहले मैं सीखता या ना सीखता, लेकिन लेकिन अब, मगर अब जब तुमने टोका है, तुमने इस तरह बताया है कि तुम नहीं सीखोगे, तब ज़रूर सीखेंगे, तब तो मैं ज़रूर सीख ही लूँगा। तुम भी क्या कहोगी बाद में, तुम ही बोलोगी, हाँ सीख लिया तुमने, हाँ तुमने भी सीख लिया कि तुम ही बोलोगी बाद में, इस तरह उसने बता दिया वहाँ पे। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ, हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन, मैं यह चाहती हूँ कि तुम एरोप्लेन चलाओ, यह साइकिल क्या चीज़ है, साइकिल क्या चीज़ है, तुम एरोप्लेन भी चला सकते हो, तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है, तुम्हारा जो स्वभाव है इस तरह का स्वभाव, इससे ही मुझे डर लगता है, एक बार गिरोगे तो देख लेना, एक बार तुम साइकिल पे से गिर जाओगे तो फिर तुम देख लेना, साइकिल वहीं फेंक फांक कर चले आओगे, साइकिल को वहीं फेंक कर, वहीं फेंक कर ढकेल कर वापस चले आओगे। इतने में तिवारी जी बाहर से आवाज़ दी, जो तिवारी जी गए थे वापस आ गए और बाहर से आवाज़ देने लगे। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे, जब लेखक ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पे जो उस्ताद, जो सिखाने वाला था साइकिल, वो व्यक्ति खड़ा था वहाँ पे, एक्सपर्ट खड़ा था वहाँ पे, विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर, विद्यार्थी शरीफ विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थियों की तरह श्रद्धा से हाथ जोड़कर, दोनों अपने हाथों को जोड़ दिया और प्रणाम किया, नमस्ते किया और चुपचाप खड़े हो गए वहाँ पे, चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे, 20 रुपए में सिखाने के लिए यह मान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से बनाया है, बहुत ही कोशिश करके मुश्किल से मैंने इनको मनाया है।
पेशगी लेंगे। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता, वो क्या बोल रहे कि स्टार्टिंग में थोड़े पैसे लेंगे, थोड़े एडवांस में पैसे लेंगे, अंत में कोई देता नहीं है, इसलिए वो एडवांस लेंगे, इस तरह बोल रहे हैं। तब लेखक बोलते हैं, अरे भाई हम देंगे, मैं दूंगा, दुनिया लाख बुरी है, इस दुनिया बहुत ही बुरी है, फिर भी इस दुनिया में कुछ अच्छे आदमी हैं, मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है, इसमें भले आदमी भी रहते हैं इस दुनिया में। यह 20 रुपये तो चीज़ ही क्या है, सिर्फ 20 रुपये है ना, ये क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गंवाएंगे। जो धर्म है वो मैं क्या करूँगा, 1,00,000 रुपये देने के लिए भी नहीं मना करूँगा, मैं जितना पैसा है उतना मैं दूंगा, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी मान गएंगे, बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दे, सिर्फ एक बार क्या करो साइकिल चलाना सिखा दो, फिर देखो हम इनकी क्या क्या सेवा करते, हम इनकी अच्छी तरह से सेवा करेंगे, पहले हमें सिखा दो। मगर उस्ताद जी नहीं माने, लेकिन जो ट्रेनर था वह नहीं माना, फीस पहले लेंगे, क्या बोला, मैं क्या करूँगा फीस को पहले ही लूंगा, इस तरह उसने बता दिया। ठीक है, जितना काफी है, कल की अवधि में आगे का देखेंगे। धन्यवाद।